वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और आप सबका स्वागत आज नई वीडियो में। एंड भाई ये देख रहे हो बर्फ, यार इरिटेशन होती है इनसे ना। मतलब अभी जब धूप पड़ रही है ना, देखो सामने से, अब तो सूरज छुप गया ठीक है, जब सामने से अब देखो चलने का भी रास्ता नहीं है। अब जब सामने से धूप पड़ रही है ना, तो भाई ये ना वाइट चीज पे जब चमक रही है धूप, बड़ा यार आंखें भी नहीं खोली जा रही, इतना बुरा हाल है ठीक है। और अभी तो देखते हैं आज रात को होती है नहीं होती। भाई कल तो बड़ी ज़बरदस्ती तबीयत और ख़राब हो गई क्योंकि जिम चला गया था, उसके बाद स्टॉर्म आ गया और स्टॉर्म में वापस आया घर। तो चलता तो अभी थोड़ा देर स्टोर पे जा रहा हूँ, आज से छुट्टी थी पर हाशिम से मिल के आ रहा हूँ और करते हैं उससे थोड़ी बहुत बातचीत टाइम पास करके फिर किसी आज टॉपिक पर बात करेंगे। सामने माउंटेन देख रहे हो, यही तो मज़ा सरी में रहने का। वो सामने बिल्डिंग, वो डाउनटाउन है हमारा, उनके सामने है और वो उधर है लाइन किले की तरफ जो रोड जा रही है। तो अभी जाता हूँ हाशिम के पास, करता हूँ बात। किस चीज़ की बात कर रहा था, एकदम ना आग पे चौंधा सा पड़ रहा है भाई, एकदम ना आग भी नहीं खुल रही, बहुत ज़बरदस्त धूप पड़ रही है। सो बात करते हैं कि एक्सपेंस कैसे मैनेज करे। तो अभी जस्ट बाहर निकला था, बिल्कुल 5 मिनट पहले बाहर आया था तो सब साफ था और वेदर ने तो प्रोजेक्ट भी नहीं कर रखा था कि स्नो होगी, एंड स्नो शुरू हो गई है और तेज़ हो गई है। अब ये नहीं पता कि ये किस लेवल तक पड़ेगी ठीक है, क्योंकि अब देखो यार अब तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, अब एकदम स्लो हो गई है, तेज़ थी और एकदम स्लो हो गई है। अब तो ये नहीं पता कि किस लेवल तक पड़ेगी अब ठीक है। एंड बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज फंड्स इन कैनेडा, फंड्स कैसे मैनेज करें ठीक है। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन तो आपको ईजी हो जाएगा कि फंड ईजली मैनेज कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा नॉन वेज बहुत ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेरिजन टू इंडिया ना, अगर आप इंडिया से आ रहे हो। और भाई कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के मत आना, क्योंकि मैंने भी बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कनाडा से, एंड आई वाज लाइक कि ये करूँगा वो करूँगा, सारी एक्सपेक्टेशंस ना यही की वही रह जाती है, क्योंकि कनाडा इज़ वेरी डिफरेंट। मैं इसलिए चीज़ें जेन्युइन रखता हूँ वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग जेन्युइनिटी ओरिजिनलिटी रियलिटी दिखाते नहीं है ना, वो लोग व्यूज़ के चक्कर में तारीफ़ कर देते हैं कि जॉब्स हैं आज जो वो है ये है। अब मैं रियलिटी बताता हूँ कि इस टाइम पे क्या चक्कर है, क्या सब चल रहा है ठीक है। अभी तो मैं जिम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बात करते हैं चलते चलते कि हाउ टू मैनेज फंड्स इजीली इन कनाडा। तो गाइस पहली बात तो ये है कि सबसे बेसिक एक्सपेंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रेंट ठीक है। इफ़ यू आर यू नो घर से कोई दिक्कत नहीं है और घर से भी पैसा आएगा और आपको GIC भी खर्चना है, आपके पास 2 साल की फीस है तो यू कैन लिव इन बर्नबी वैनकूवर जैसे एरिया में, जहाँ घर का जो रेंट है वो बेसिक जाता है 500-600 से ऊपर मिनिमम, और कई बार 800-900 और प्राइवेट रूम तो 1200-1300 तक भी जाता है। तो यू कैन लिव इन डैट एरिया, वहाँ पे आपका उस हिसाब से आपका 700-800 पड़ेगा मंथली या 800-900 मंथली रहने का खर्चा, अगर शेयरिंग में रहते हो 1000 के करीब प्राइवेट रूम का। अगर आपको पैसे बचाने हैं, यूटिलिटीज इतनी नहीं देखनी, बस ड्रायर हो थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज्ड हो घर, तो यू कैन लिव इन सरी। सरी में भी सेंट्रल के पास कुछ घर ऐसे जो कि 400-425-450 के बेसिक रेंट में आपको मिल जाते हैं, तो यू कैन लिव नियर सरी, स्कॉट रोड हो गया, न्यूटन एक्सचेंज हो गया, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। मोस्टली लोग वहीं रहते हैं क्योंकि हर किसी को घर से सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि और कनाडा में करने के आते हैं भाई, वी आर कमिंग टू कनाडा जस्ट टू अर्न मनी ठीक है। मेन मोटिव तो ये होता है ना कि पैसा कमाना, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक करना है, तो वही चीज़ मेन है। बेसिक अगला खर्चा है खाना ठीक है। तो भाई खाना दो टाइप का हो सकता है, अगर आपको खुद बनाना आता तो यार वेल एंड गुड है, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से इतना टाइम अभी मेरे को तो देखो यार मैं वैसे बनाता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा आलसी हो गया हूँ यहाँ के, पर यार लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोग आइए वो खाना भी बनाए, वो लोग जॉब भी करें, क्योंकि यार देख 10 घंटे की शिफ्ट लगा के बंदा आ रहा है, उसके बाद वो 1.5-2 घंटा खाने में लगाएगा, अगर मोस्टली लोग लंच लगवा लेते हैं ठीक है, और अगर खाना भी बनाएगा तो यार 2 घंटे तो उसमें चले जाएंगे। तो मेरे को वो लगता है कि लोग इस चीज़ को ना अवॉइड करते हैं, बहुत कम लोग मतलब खुद से मतलब बनाने का इनिशिएटिव लेते खाना, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिलता यार, बंदा थका थकाया आता है। और तो अगर बाहर से यार यहाँ पे 2 टाइम का टिफिन सर्विस, 8 रोटी + 2 सब्जी चावल और रायता, भाई $230 से 250-270 तक जाता मंथली ठीक है। और अगर 1 टाइम का चाहिए 4 रोटी 1 सब्जी और 1 रायता या फिर चावल जो भी है, वो आपको 150 तक पड़ जाता है ठीक है। और खुद से बनाओगे तो शायद आपको $100-150 सस्ता पड़ जाएगा, पर भाई यार टाइम ठीक है। ग्रोसरी यार मैं अगर अपने बता दो, मेरा महीने के अभी पिछले महीने से
मेरा अगले महीने का प्रोजेक्ट किया है कि अगले महीने मैंने एक्सपेक्ट किया है कि मेरे को मेरा मैं कम से कम 4 अंडे की ट्रेल सोच के चल रहा हूँ और 18 लीटर दूध लगेगा मेरा खुद का केले का और मैगी ठीक है और बाकी फालतू कह रहा हूँ बाकी बेसिक चीज़ें बिस्किट्स वगैरह की जो चीज़ें मैं ज़्यादा खाता हूँ चॉकलेट्स वगैरह आइसक्रीम्स उनको लगा के मेरा मोटे से मोटा खर्चा आ जाएगा $250 क्योंकि $150 का मैं लंच लगा के $100 का मेरा ये तो 250 आ जाएगा ये चीज़ें। और चिकन वगैरह मैं बाहर का कई बार मोटा मोटा लगाऊँ तो हर 3 दिन में एक बार खा लेता हूँ ठीक है। मोस्टली मैं टिमोटर्स का चिकन रैप खाता हूँ जो कि मेरा 4 घंटे निकाल देता है 5-6 घंटे निकाल देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हेल्दी नहीं हैवी होता वो ठीक है। तो भाई वो हो गया वो $100 उसका लगा लो वो हो गया साढ़े तीन सौ और मेरा $100 लगा लो ट्रांजिट का लगा लो ठीक है। तो भाई वो हो गया साठ लगा लो भाई मेरा क्या नाम है 60-70-80 लगा लो मोटा मोटा मेरा हो गया क्या नाम है टिम हॉर्टन्स क्योंकि भाई कॉफ़ी नेसेसरी है अगर टिम हॉर्टन्स रेगुलर पियोगे तो दूध लाने की नीड नहीं पड़ेगी तो वही है। और अभी देखा ना थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हो रही तेज़ हो रही थी काफ़ी यार कुछ भी नहीं है आसमान में यही तो है भाई कनाडा ठीक है। तो अगर टिम हॉर्टन्स का 80 लगा लो तो मेरे हिसाब से दूध का वही $20-30 कम कर लो तो 50-60 का पड़ जाता है ठीक है। वही साढ़े नौ सौ डॉलर लगा लो मंथली खर्चा मेरा पड़ जाता है 950 नहीं 1000 लगा लो मोटा मोटा क्योंकि अभी पुलिस चेकिंग ज़्यादा कर रही है तो इस हिसाब से मैं डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ ट्रांजेक्शन में। और अभी तो मैं मेरा तो मेजर फोकस है भाई अभी तो मैं उस पर कर रहा हूँ क्रेडिट पॉइंट्स बनाने के लिए तो मैं हर ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ और क्योंकि क्रेडिट ही यू नो क्रेडिट कार्ड विल हेल्प यू क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े सपने हैं आगे गाड़ी लेनी है घर लेना है ठीक है और यहाँ पे कोई भी सामान फ़ोन लेना है तो उसके लिए भी क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए तो आई एम मेंटेनिंग माय क्रेडिट कार्ड फक मैन अभी गिर जाता ठीक है। यस इट्स अ ब्लैक आइस तो इधर आ जाते हैं ठीक है सॉरी यार ओ भाई पूरा शरीर हिल गया तो क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए तो मेरे को चाहिए अभी क्रेडिट कार्ड की यूसेज डेबिट कार्ड मैंने अब एक कोने में फेंक करके मुझे पता भी नहीं खा पड़ा तो आई एम यूजिंग क्रेडिट कार्ड फोन बिल्स हाँ भाई 1000 ही लगा लो पूरा 1000 ठीक है क्योंकि फ़ोन बिल भी है। तो अगर आप 20 घंटे काम करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा अगर आप 20 घंटे में अगर आप हफ्ते में 20 घंटे काम कर रहे हो और महीने के $1200 कमा रहे हो तो आपके पास हाथ में एंड में महीने में $100 बचेंगे तो आप फीस कैसे निकालोगे क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो फीस है ना आप बच्चों की कि फ़ीस कैसे निकलेगी फीस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा किस क्योंकि मोस्टली बच्चे कितनी फ़ीस लेके आते हैं सिर्फ 1 साल की कहीं सिर्फ 1 सेम की लेके आते हैं तो वही है फिर फीस कैसे निकलेगी। तो आपको देखो जिनकी फाइल 8 अक्टूबर से पहले है ना भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है सच उनकी फ़ीस निकल जाएगी क्योंकि वो फुल टाइम काम करेंगे 40 घंटे ऑब्वियसली बात है $1000 बचेगा ठीक है क्योंकि $1200 एक्स्ट्रा बनेंगे तो मेरे हिसाब से $1100 महीने का बच्चे का तो 7-8 महीने फीस कवर हो जाएगी ठीक है। खर्चे मारने पड़ते हैं अपना दिल मारना पड़ता है काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करके चलना पड़ता है क्योंकि क्या यू आर नॉट लिविंग इन योर ऑन सिटी यू आर नॉट लिविंग इन ऑन कंट्री तो उस हिसाब से देखें तो भाई बहुत चीज़ें जो हम इंडिया में करते थे घूमना फिरना फालतू की हरकतें दोस्तों के साथ पैसे खर्चना वो चीज़ें हम यहाँ नहीं करते क्योंकि होता ही नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि सड़क पर चलना पड़ेगा नीचे उतर के क्योंकि यहाँ से तो भाई पैर दस गए जो वहाँ बुंडा हाल है अभी तो भाई पैर दस रहे हैं और सड़क पे चलना इज़ नॉट सेफ तो यही है बुरा हाल है सभी। मेरे को स्नो नहीं पसंद यार देखो ये फुटपाथ है चलने का रास्ता नहीं है ना तो वही है चीज़ें मारनी पड़ती है अपने शौक मारने पड़ते हैं शौक मारने पर यह है कि 2 साल शौक मारोगे तो अगले 3-4 साल मजे कर लोगे ठीक है। और नेवर कभी ये मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है अगर दूसरा मजे कर रहा है तो वो मजे मैं भी करूँगा फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई है तेज़ अभी धीरे धीरे तो ये मत सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है दूसरा वो करेगा तो मैं भी वही करूँगा दूसरा अगर लोग तो मैं कंपेयर कर रहे कि यार वो तो ये कर रहा है वो इतने पैसे कमा रहा है तो
कंपैरिजन में तुम पीछे रह जाओगे, कंपेयर नहीं करना ठीक है। कोई भी अर्ली सक्सेस पे बिलीव मत करना, क्योंकि मैं तो नहीं करता। जो चीज़ें देखो यार, चीज़ें जल्दी मिल जाती है ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती ठीक है। चीज़ें लेट मिलेंगी तो इम्पोर्टेंस होगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी थोड़ा लाइफ में। यार लाइफ में जब तक तुम स्ट्रगल ही नहीं करोगे तो लाइफ किस बात की। जब तक तुम यही सोचते रहोगे कि यार ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये चीज़ भी इजली मिल जाए, वो भी मिल जाए ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, नीड ना पड़े, तो भाई फिर वो लाइफ किस बात की है, वो लाइफ थोड़ी ना फिर, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे। तो थोड़ा जब तक तुम्हारी ज़िंदगी के लगेंगे नहीं, तब तक तुम सीखोगे नहीं लाइफ से ठीक है। और हर चीज़ में भगवान पे चीज़ें मत छोड़ना, जो हम करते ना इंडियंस, भगवान पे चीज़ें छोड़ देते हैं, भगवान ये हो जाए वो हो जाए। भगवान के आगे प्रे करो, बोलो कि मुझे चाहिए, पर भगवान को भी तो दिखे ना कि तुम उस चीज़ के लिए कितना मेहनत करो, अपना कितना घिस रहे हो, कितना तुम उसके लिए डेडिकेटेड हो। बस डेडिकेशन रखो। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ, गॉड तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम ही अपने लिए सीरियस नहीं होंगे तो फिर भगवान क्यों सीरियस होगा तुम्हारे लिए। साफ सी बात है, अपने लिए सीरियस बनो ठीक है। अगर चीज़ें अभी नहीं हो रही तो चीज़ें बाद में हो जाएंगी, चीज़ें छोड़ो मत ठीक है, चीज़ें छोड़ो मत, चीज़ें अभी नहीं हो रही चीज़ें बाद में हो जाएंगी ठीक है, पर चीज़ें छोड़ो मत, स्ट्रगल करो, अपने ऊपर बिलीव रखो कि हाँ अभी नहीं हो रहा, कोई नहीं बाद में हो जाएगा, अभी मेरा टाइम नहीं, बाद में आएगा ठीक है। और खर्चे वर्चे तो होते रहते हैं लाइफ में ठीक है, ये फंड कैसे मैनेज करें भाई, तुम कितनी वीडियोस देख लो ठीक है। जब तक तुम खुद आके यहाँ पे, जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे ना, जब तक तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, मैं तुम्हें झूठी, मेरा $1,000 खर्चा है ठीक है, कल को तुम आओगे टैक्स वगैरह बढ़ा पाएगा, चीज़ों के रेट बढ़े पाएंगे, वही खर्चा तुम्हें 1100 लगेगा, तो वही है ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ चीज़ों को लेके ठीक है। तो हाँ देखो, नॉलेज गेन करो कि अगर इसका खर्चा भी 1000 है तो 7 महीने बाद एक्सपेक्ट करके चलो कि तुम्हारा होगा कम से कम 1100 अराउंड। रिसेशन में क्या था, चीज़ें बढ़ जाए यार, चीज़ों के रेट बढ़ जाए, टैक्स बढ़ जाए, कुछ नहीं पता कल को यार, 2014 के मिड तक है, 2024 के मिड तक कह रहे रिसेशन चलेगा, तो इस हिसाब से तो सोच के चलो ना कि कुछ भी हो सकता लाइफ में ठीक है। कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं है। देखो यार, मैं तो ये सोचता हूँ कि बस एक एक्सपेक्टेशंस ना चीज़ों को बंदों को मारती है ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि कनाडा जाऊँगा तो जाते जॉब लग जाएगी, हो जाएगा, अभी थोड़ा बस कुछ एक्सपेक्ट करके मत आओ, बस ये करो कि लाइफ में हसल करनी है, मेहनत करनी है, बस और कुछ नहीं करना ठीक है। बस जिस दिन ये सोच तुम्हारी आ जाएगी ना, तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में ठीक है। और खर्चे बढ़ते यार, बस अपना हाथ, अगर तुम सीरियस हो गए लाइफ में तो तुम खुद ही कंट्रोल कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी $1,000 महीने का खर्चा होता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो बस यही था। और बाकी और कोई चीज़ों पे वीडियो चाहिए होगी, क्योंकि यार मेरे को ना प्रोफेशनल नहीं बनना आता, मेरे को ना चीज़ों में, मेरे को ना हर चीज़ में एंगल डालना नहीं आता, ट्विस्ट डालना नहीं आता, भले ही इतने व्यूज़ ना आए ठीक है, एक बारी में लोग मतलब भले ही 2,500, 3,000, 4,000 वीडियो पे व्यूज़ ना आए, देखो यार जेन्युइन बात करूँगा ना तब लोग पसंद करेंगे मेरे को ना, मेरे से फेक नहीं बना जाता, डबल साइडेड फेस ही नहीं दिखाए जाते ठीक है। तो यही है, बस अपना जेन्युइन रहो ठीक है, अपना सोच, बस एक ना एक फ्यूचर, एक लाइफ में गोल रखो कि इतना मेरे को अगले 4 साल में अपने आपको यहाँ देखता हूँ, मैं अपने 3 साल में यहाँ देखता हूँ, 1 साल में मैं खुद को यहाँ देखता हूँ, छोटे छोटे गोल सेट कर लो कि अगले 2 महीने बाद मेरे को ये करना है, अच्छा अभी ये हो गया, चलिए ये हो गया, मेरे को अगले 3 महीने बाद ये करना है, अच्छा अब 3 महीने बाद ये हो गया तो मेरे को वो करना है। जब तक ये लेके चलोगे ना लाइफ में बहुत आगे जाओगे। एक सेट ऑब्जेक्टिव रखो कि हाँ भाई ये लाइफ का गोल है, इससे नहीं भटकना, बस एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, नहीं है तो सेट कर लो, क्योंकि बहुत कम आएगा। तो ख़त्म करता हूँ इस व्लॉग को, क्योंकि हाथ में ना कैसे दिखाऊं, हाथ में भी छाता है तो सेम इंटेंसिटी एंड सेम एनर्जी कर नहीं सकता है ना। थोड़ा मैं फॉलो करता हूँ K18 को, केतन पटेल को, तो उसको थोड़ा मैं चीज़ें कॉपी करता हूँ और अपना भी ले कहेंगे थोड़ा ठीक है। और बस सपोर्ट करता रहो, ऐसी कोई टारगेट नहीं रख रहा मैं वीडियो का, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा, बस प्यार रखो ठीक है। देखो अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो वीडियो को डिसलाइक करो और सजेशन दो कि भाई तू यहाँ गलत जा रहा है, तू ये चीज़ें ठीक कर ले, मैं ठीक कर लूँगा ठीक है। बस चीज़ें अगर आपको लग रही गलत कर रहा हो, गलत बोल रहा हो, तो वो चीज़ों को इग्नोर मत करो, कमेंट सेक्शन में आओ, चीज़ों को बोलो कि भाई ये चीज़ तू गलत कर रहा है, या तू गलत बोल रहा है, या तुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या तुझे ये करने की ज़रूरत है, एंड आई विल डू दैट थिंग एंड आई विल फॉलो। क्योंकि मेरे को भाई लोग बोलते ना कि मेरे को तो बंदों ने बोला कि तू व्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो साथ में मारता है, बड़े यूट्यूब ही मत कर, ठीक है मैंने उनका सुना और थोड़ा थोड़ा भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो वही है। बस अभी खुद को इसलिए दिखा रहा क्योंकि पूरा कवर्ड हूँ, अंधेरा हो रहा है, इस फ़ोन में फ्लैश नहीं है,
चीज़ें अभी देखो यार, मैं फ़ोन वोन अभी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को फालतू की सरदर्दी नहीं पालनी, फ़ोन की किस्त नहीं पालनी महीने की। मैं इससे बढ़िया 6-7 महीने सेविंग करके फीस वीस निकालने के बाद कैश फ़ोन ले आऊँगा, iPhone 15 ले आऊँगा, प्रो मैक्स जो भी आएगा उसके लिए वेट कर लूँगा। पर अभी मेरे को सिरदर्दी नहीं पालनी, मेरे को इतना कोई शौक नहीं है फ़ोन वोन का। वीडियो क्वालिटी आएगी अभी, प्लीज़ थोड़ा देख लो यार, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी वैसी आएगी। तो फिनिशिंग दिस व्लॉग विद सेम इंटेंसिटी एंड सेम एनर्जी। आज खुश रहो कल का पता नहीं है, हर मोमेंट को एक एंड की तरह जियो। जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दोगे देन भाई लाइफ का जीने का मजा ही अलग होगा। सो बाय बाय गाइस।